लोग है काफी दिनों का, समझ ले एक खिचड़ी सी मिक्सचर सा है। यहाँ पे जी छोटी सी हमने सालगिरह की बेटे की, और देखिए ये देखें जी केक कट करने की प्यारी सी कैंडल, ये कितनी मजे की लगती है। और पीछे जो है अहमद साहब, वो कैप भी नहीं थे पहन रहे और हादी ने दोनों कैप पहन ली। अहमद साहब आज फुल मूड में थे तो कह रहे थे बस मुझे छोड़ दो, आप लोग जो मर्जी करो, केक काटो खाओ, ना मैं काटूंगा ना मैं खाऊंगा, बस डांस करूंगा और करता ही जाऊंगा। एक्चुअली पीछे एलईडी लगी हुई थी, उस पे ना बर्थडे सॉन्ग था हैप्पी बर्थडे वाला, और वो बस उसमें बिजी था तो वो एंजॉय कर रहा। वो देखे मैं कोशिश कर रही थी कि पास बैठ के केक काट ले दोनों भाई, वो कह रहे थे नहीं छोड़ दूंगी, तो मैंने कहा इसका मूड खराब ना हो जाए, चले इसको मैं छोड़ देती हूँ, अपनी जो एंजॉयमेंट वो जारी रखे। यहाँ पे जी केक कट कर रहे हैं, साथ दादा पर सिर्फ मैं बैठी हूँ, पुप्पो उसकी वीडियोस बना रही थी, तो उसकी पुप्पो ने छोटी सी डेकोरेशन की है, 5 साल का माशाल्लाह हो गया, स्कूल गोइंग है। और ये अहमद का देखिए छोटी छोटी वीडियो बनाए बनाए ना, तो उसको पता चल जाए ना कि मेरे पास कैमरा या मोबाइल क्या है, तो उधर ही रुक जाता है कि भी बहुत मुश्किल से बनाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वीडियो क्लिप ना यहाँ पे आगे पीछे हो गए हैं, ये बर्थडे से पहले से सिंपल से डेकोरेशन की वीडियो बनाई थी, ये देखिए अभी केक काटने था हुआ, लेकिन वीडियो में पहले केक कट हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा दी यहाँ पे शॉल में पड़ गया, तो बाजार से रेडीमेड मंगवाया था, घर में कुछ भी नहीं था बनाया। ये कोई और दिन का व्लॉग है, वीडियो है सॉरी। स्पेशल बिरयानी की फरमाइश आई थी और कुकिंग मेरी काफ़ी काफ़ी अच्छी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे कभी कभी खुद यकीन नहीं आता मैं इतना अच्छा बना लेती हूँ, अब पहले बिल्कुल नहीं थी करती कुकिंग में, और अब मेरा काम ही ये ज़्यादा यही है। तो बिरयानी जो है चिकन बिरयानी, तह वाली बिरयानी, सिंधी बिरयानी, बहुत से नाम है, तो इसकी जो लॉन्ग वीडियो है डिटेल वीडियो वो भी अपलोड हुई है मेरे चैनल पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो है, स्पेशली बिगनर्स के लिए घर में बनाए, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। चिकन कढ़ाई, सादे सालन जो भी हैं, आलू पालक करेले भिंडी सारा कुछ मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, प्लीज़ जाके विज़िट करें चैनल को, वीडियोस वॉच करें। और यहाँ पे जी बिरयानी फटाफट बना रही थी, और किसी ने ख़ास फरमाइश की थी ताया अबू की फैमिली ने, तो बस फिर मैंने पतीले शतीले चढ़ा लिए, जब मुझे पता हो ना कुकिंग करनी है तो फिर मैं प्रॉपर अहतमाम करती हूँ, पहले सारे मसाले वगैरह रेडी कर लेती हूँ, लहसुन प्याज, क्योंकि किसमें सारी चीज़ें ना ऑब्वियसली ज़्यादा मसाला यूज़ होता है, फिर जब ज़रा ज़्यादा बनानी हो चीज़ तो फिर उसके लिए अहतमाम भी ज़रा ख़ास करना पड़ता है। तो मैं तो अपनी बिरयानी में कच्चा प्याज और अंडे बॉयल करके लादमी डालती हूँ, आप लोग स्किप कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, प्याज कच्चा जो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने फूड कलर मिक्स कर लिया था, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, अगर हम पहले इनको रेडी करके रखें तो फिर मसला नहीं होता, नहीं तो एंड टाइम पर ना फिर बड़ी अफरा तफरी मचती है। काफ़ी मैसी सा हो गया था क्योंकि चावल काफ़ी बॉयल हो गए थे, 2 kg चिकन था और 2-3 kg जो थे वो राइस थे, लेकिन राइस वाइस पुराने थे वो काफ़ी ज़्यादा ना फूल गए थे, तो मैंने थोड़े से सेपरेट बच्चों के लिए रख लिए, क्योंकि जो बिरयानी थे वो फरमाइश थी कि स्पाइसी होनी चाहिए, तो मैंने काली मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, हरी वो सुरख मिर्ची खूब डाली, और सब ने बहुत इंजॉय किया, मज़े के साथ खाई, मौसम भी बहुत अच्छा था, तो जब मौसम ऐसा होना फिर चटपटा खाने का ज़रा ज़्यादा दिल करता है, क्योंकि जब गर्मी होती है फिर हम काम ही खाने के, प्याज बहुत लगी पहले ही बहुत गर्मी है, फिर दिल घबराता है, जलन होती है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब मौसम अच्छा होता है हम लोगों को बहाना चाहिए होता है अच्छा खाने पीने का। यहाँ पर बिरयानी जो है दाम लगा रही थी, अब ये फिर किसी और दिन की वीडियो, रैंडमली सारी मैंने वीडियोज़ को एक भी व्लॉग में शामिल किया है। अच्छा ये जो ना कलरफुल स्नैक्स जिसको हम पापड़ बोलते हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, हम इनको पापड़ बोलते हैं। अच्छा ये ना मैंने बच्चों के लिए घर में मंगवा के रखे हुए हैं, इतना मज़ा आता है खाने में और सबसे बढ़ के बनाने में, ये देखें कुछ सेकंड में ये बिल्कुल तैयार हो जाती हैं, तब अगर जब आपका ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो फुल गर्म होना चाहिए, उसके अंदर डालने देखते ही देखते चंद सेकंड में ये आपके पापड़ बनके फ्रेश कुरकुरे क्रिस्पी तैयार हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितने मज़े के हैं ये। अच्छा जी अब एक और चटपटी नेक्स्ट रेसिपी है, वो है फ्राइज़ की। मैं ना बच्चों को कोशिश करती हूँ बाहर की चीज़ें कम से कम खाने दूँ,
स्पेशली तो मैं घर में इस तरह की बना देती हूँ। मेहनत होती है लेकिन कि एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, हफ्ते में एक दिन कम से कम, यार इतना तो बच्चों का हक बनता है ना। यहाँ पे मैं अपने तुक्के लगा रही थी, पहले मैंने हल्का सा चाट मसाला डाला और उसके बाद लाइट सा नमक, देख लीजिएगा जरा ज़्यादा ना हो जाए, उसके बाद कॉर्नफ्लावर, एवं बस दिल किया मेरा। तो उसके बाद मैंने फिर ऑयल को गरम किया फुल, और जब ऑयल गरम हो ना तो फटाफट चीज़ बन जाती है, फिर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। इसी तरह जब आप सालन बनाए तो मैं आपको टिप दे देती हूँ जो मुझे कुछ दिन पहले पता चली है, बहुत दिनों से पहले पता चली है, बस बताना नहीं थी चाह रही, लेकिन चले मैं आज बता देती हूँ, जो खाना बनाते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। जब मसाला वगैरह भूनना हो ना तो पहले सबसे पहले ऑयल या घी जो भी यूज़ करते हैं यार, उसको फुल गर्म कर लें, उसके अंदर लहसुन प्याज अदरक डालें, फ़ौरन से आपका जो मसाला ना ब्राउन हो जाएगा और फटाफट सालन बन जाएगा। यहाँ पे फ्राइज़ बना के ऊपर मायोनीज़, केचप, जो भी आपको पसंद है बस वो डाल लें और इन्जॉय करें। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।